अगर आप भी मूवी देखते हुए घर पर पॉपकॉर्न खाना मिस करते हैं तो फिर ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ बटर पॉपकॉर्न, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो कढ़ाई में हम ऐड कर लेते हैं 1 टेबलस्पून बटर। ये होममेड बटर है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बटर हमारा मेल्ट हो चुका है। ये मेरे पास है 1 कप कॉर्न कैनल्स, जो किसी भी ग्रोसरी स्टोर में आपको इजिली मिल जाएगी। अब इसे हम बटर के साथ थोड़ी सी देर के लिए लो फ्लेम पर भून लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारे कॉर्न कैनल्स हैं वो बटर से अच्छे से कोट हो जाते हैं। और इसे हमें 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूनना है। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। इसे कलर बहुत बढ़िया आता है, साथ ही जाएगा स्वाद के अनुसार नमक। इसे कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहेंगे और भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ऑन लो फ्लेम। अगर आपने फ्लेम तेज की तो जो आपका सॉल्ट और हल्दी है वो जल जाएगा। 2 मिनट हो चुके हैं मुझे कॉर्न कैनल्स को इसी तरह से चलाकर भुनते हुए, और जो कॉर्न कैनल्स है उनके ऊपर बटर और हल्दी अच्छे से कोट हो गई है। अब हम इसे कर देते हैं लिड से कवर। 2 मिनट में ही कॉर्न कैनल्स में से पॉपअप साउंड आने लग जाएगा और फ्लेम बिल्कुल लो रहेगी। हाई फ्लेम पे कॉर्न कैनल्स जल जाएंगे। कुछ देर हुई है, कॉर्न कैनल्स में से पॉपअप साउंड आना बंद हो गया है और आप देख सकते हैं हमारे पॉपकॉर्न फूले फूले बनकर बिल्कुल तैयार हैं। ये गर्म नहीं होते तो मैं हाथ में लेकर आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया बने हैं। तो चलिए इसे करते हैं सर्व। टेस्टी होने के साथ साथ पॉपकॉर्न बहुत ही हेल्दी स्नैक है, तो अपने बच्चों को बनाकर दीजिए और घर पर मूवी देखते हुए इंजॉय कीजिए बटर पॉपकॉर्न का बिल्कुल बाजार जैसे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। Thank you for watching my video.